इस सेशन में हम लोग जो हमारा एनसी टाइप बिट लॉजिक है उसके बारे में बात करेंगे। तो मेरा ये नॉर्मली क्लोज बिट है, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जब मेरा पीएलसी के इनपुट पे जब मेरा ये इनपुट इनएक्टिव है, ठीक है, ये वाला मान लीजिए कि फर्स्ट चैनल का जीरो फर्स्ट बिट है, ठीक है, फर्स्ट चैनल का फर्स्ट बिट है, तो मेरा ये इनपुट जो है हार्डवेयर पे वो इनएक्टिव है। लेकिन ये वाला जो है मेरा जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो प्रोग्राम के अंदर जो मेरा एनसी बिट है और ये क्लोज बिट है या क्लोज कॉन्टैक्ट है, सीएक्स प्रोग्रामर के अंदर बोलते हैं, तो ये वाला मेरा बिट हाई है। इन नॉर्मल कंडीशन यानी फॉल्स कंडीशन में ये बिट हाई रहेगा पहले से, जबकि ये वाला मेरा इनपुट अभी हाई नहीं है, यानी कि ये अभी हमारी फॉल्स कंडीशन है, कोई इनपुट हमारा हाई नहीं है ये वाला, और ये मेरा जो है ये बिट मेरी हाई है, तो ये मेरा फॉल्स कंडीशन में मेरा एनसी बिट ऐसे ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ये नॉर्मली कंडीशन में आगे सप्लाई पास करेगा, ठीक है। तो अब जब मेरा ये फील्ड में से पल्स आ गई है और मेरा ये इनपुट एक्टिवेट हो गया, आप देखिए कि मेरी फील्ड में ये पल्स हाई हो गई है और मेरा ये इनपुट एक्टिव हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद जो मेरा ये है एनसी बिट, ये इसी कंडीशन क्या है, ये ओपन हो चुका है, यानी कि इसकी ट्रू कंडीशन में, ठीक है, इसकी ट्रू कंडीशन में ये ओपन हो जाएगा। ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट है नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट के, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल हालत में ये अपना इसी जो कंडीशन रहेगी वो नॉर्मली क्लोज रहेगी, और जब मेरा इनपुट फिजिकली ऑन होगा पीएलसी पे, ठीक है, और वो उसका स्पेसिफाइड बिट जो होगा वो जब जब ये हाई हो जाएगा इनपुट, तो वो मेरा जो इनपुट है, ठीक है, तो वो मेरा ओपन हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आगे हम लोग जो हमारा आउटपुट कॉइल है उसकी बात करेंगे।